हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज आयुषी एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की यूनिट सेकंड, जिसका नाम है बीजगणित। आप इंग्लिश में कहते हैं एलजेब्रा। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसको आप सारणी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपने डिटरमिनेंट चैप्टर का पार्ट टू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैं, कोफैक्टर्स क्या हैं, आपके माइनर्स क्या हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे आप कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कैसे करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? बट यहाँ पर हम अगर डिटरमिनेंट्स की बात करें तो डिटरमिनेंट से रिलेटेड हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट के मेथड से हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हेडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिसे आप हिंदी में कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो इट्स मीन इसकी फॉर्म होगी डिटरमिनेंट में। क्या होगा, जैसे अगर बात करें एक ट्राइंगल की, तो हम जानते हैं ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हमें फिगर में दिखता है। और यहां पर जो थ्री वर्टेक्स हैं वो मान लेते हैं सपोज ए बी एंड सी हैं। यहां पर इन थ्री वर्टेक्स के जो मैं कोऑर्डिनेट्स मान रही हूं वो मानूंगी एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री। अब यहां पर थ्री कोऑर्डिनेट्स हमने माने, हमने फर्स्ट माना है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री। इट्स मीन अगर हम कहें कि ए पे हम एक्स वन एक्स एक्सिस पर चले और वाई वन हम वाई एक्सिस पर चले, तो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं एक्स वन वाई वन। इसी तरीके से बी पॉइंट है और इसी तरीके से सी पॉइंट है। अब बात करें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा हाफ, एक डिटरमिनेंट लगाएंगे और उसके अंदर रखेंगे अपने एक्स और वाई के वेरिएबल्स। यहां पर लिखना है आपको x1, x2, x3। इसी तरीके से सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे y1, y2 एंड y3। और जो थर्ड कॉलम होगा आप उसमें लिखेंगे 1, 1 एंड 1। तो यहां पर हमारा एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ डिटरमिनेंट x1, y, x2, y2, x3 एंड y1, y2, y3 एंड थर्ड कॉलम आपका वन होगा, राइट? तो कितना इजी तरीका है। आपको अगर हम फिगर में देखें तो हमने क्या किया है, सारे x के जितने भी वेरिएबल्स थे उनको रखा है फर्स्ट कॉलम में, और जितने भी y के वेरिएबल्स हैं उनको रखा है हमने सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में हमने रखे हैं हमारी वन, राइट? तो यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में सीखा। क्या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव लेंगे हमेशा या नेगेटिव? ऑलवेज आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव, बिकॉज आप जानते हैं जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया, तो वो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई जगह घेरेगा, और इसी वजह से वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लेना है एब्सोल्यूट वैल्यूज। इट्स मीन अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आता है या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालते हैं, तो उन कंडीशंस में आपको लिखना है कि जो भी वैल्यू होगी वो होगी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो उसको हम कह सकते हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ऑलवेज जो ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो पॉजिटिव वैल्यूज देगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को कवर कर लिया, अच्छे से आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आपका है कोलिनियर पॉइंट्स। इसी से रिलेटेड हमारा कोलिनियर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग कोलिनियर पॉइंट्स।
जिसको आप हिंदी में कहेंगे संरेखीय बिंदु। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा फिगर कैसा होगा। हमने माना कि एक लाइन है और इसके अंदर हमारे पास टू पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी। ए और बी अपने अंदर ही कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, हो सकता है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू रखे, राइट। तो हम कहें अगर दो पॉइंट्स हैं या तीन पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है दो लें, तो थ्री पॉइंट्स अगर मान लेते हैं या टू पॉइंट्स मानते हैं, मतलब बेसिकली बात करें कि एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर। और क्या इस लाइन से ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए हमें चाहिए थ्री लाइन्स, बट एक ही लाइन पर थ्री पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संरेखीय बिंदु। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारा ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इट्स मीन हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ डिटरमिनेंट, आपके वही रहेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वन वन एंड वन। अब यहाँ पे ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे जीरो। इट्स मीन आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो हो गया जीरो, राइट। तो हमारे पास अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनके जो ट्राइंगल होगा वो होगा जीरो। जो भी आपको वैल्यूज दी जाएंगे आपको इसके अंदर पुट करनी है, बट आपके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू होगी उसे आप जीरो रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब जब आपसे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पूछे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल रखना है जीरो। अब आपने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड छोटी सी बात है कि अगर हम कहने लगे इसी चीज को दूसरे तरीके से कि एक दो बिंदु हैं और दो बिंदु किसी एक ही लाइन से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, और इसका पूछने लगे इक्वेशन समीकरण, तो क्या होगा? अगर हम कहें कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में भी ये हमारी कंडीशन रहेगी। इट्स मीन कि हमारे पास जो ट्राइंगल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वो रहेगा जीरो, राइट। तो आपके पास दो कंडीशन के लिए कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि आपके पास अगर थ्री पॉइंट्स हैं एक ही लाइन के ऊपर और या फिर इससे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो टू पॉइंट्स के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो उनको फिट करें, तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारे ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इट्स मीन हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा जीरो, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं और एक ही लाइन से होकर जा रहे हैं तो भी कंडीशन सेम रहेगी। तो दोनों को कहने का तरीका अलग है बट बात सेम है, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियर पॉइंट्स के बाद हम पढ़ते हैं हमारे माइनर्स, राइट। तो माइनर्स को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करें मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होती थी? मैट्रिक्स हम पढ़ते थे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरा होता था और उसमें कुछ ऑर्डर होता था जिसको हम 3x3, 2x2 या 2x3 से भी डिनोट करते थे। तो उसकी बात अगर करें तो हम रिप्रेजेंट करते थे हमारे मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होती थी ए, जिसके अंदर जो भी हमें डाटा गिवन होता है वो हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको हम मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें से अगर मैं कहूं कि मैं कुछ रोज और कॉलम्स को छोड़ दूं, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ रोज और कॉलम्स को छोड़ दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं ए, और इसके अलोंग मैं कुछ रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देती हूँ, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लीजिए ए वन, वो क्या बनेगी? अगर हम ए एलिमेंट को छोड़ रहे हैं तो ए की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मुझे छोड़ना होगा। तो यहां पर मैं कहूंगी जो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो है ई एफ एच एंड आई, और इनको रख देते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर। तो यहां पर जो एलिमेंट्स मुझे मिले हैं, राइट, इन एलिमेंट्स को ही बोलते हैं हमारे सब मैट्रिक्स। इट्स मीन कि एक मैट्रिक्स का एक छोटा रूप हमारा सब मैट्रिक्स होता है। कब? जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अलोंग कुछ रोज और कॉलम्स को छोड़ें। अब यहां पर हमने बात की कि हमारे पास ए पर्टिकुलर एलिमेंट था, उसके लिए कौन से एलिमेंट सब मैट्रिक्स कहलाएंगे।
बट हो सकता है कि आप इसके अलोंग कहें। हमें कहना है जी एलिमेंट के अलोंग मुझे सब मैट्रिक्स पता करना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां पर मान लीजिए कि ए टू होगी, सब मैट्रिक्स कौन सी होगी, हमें थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना होगा, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बी सी ई एंड एफ। बिकॉज आप देख रहे हैं कि आपकी जी वाली रो एंड कॉलम दोनों ही हम छोड़ दें, तो यहां पर बी सी ई एफ ये चार एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, सब मैट्रिक्स। तो आप इसको कह सकते हैं उप आव्यूह या फिर सब मैट्रिक्स, दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। तो आपके पास इस तरीके के सब मैट्रिक्स मिले, बट हो सकता है कि आपको कुछ सब मैट्रिक्स इस तरीके के मिले। आपके इस तरीके के एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके के आपको मिले। राइट, तो यहां पर कैसा भी सब मैट्रिक्स आपको मिल सकता है, फोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, थ्री एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से रिलेट है हमारा माइनर वर्ड। माइनर वर्ड को आप कहते हैं उपसारणिक। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं माइनर। हिंदी में आप कहते हैं उपसारणिक, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं उपसारणिक, जो आपके डिटरमिनेंट्स थे उनका क्या निकालना है आपको, कुछ उसके पार्ट निकालना है। इट्स मीन यहां पर अगर रिप्रेजेंट करें तो मैंने एक मैट्रिक्स मानी ए बी सी डी। राइट, तो यहां पर जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकलेगा ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी डी, इस तरीके से। अब यहां पर हमारे पास डिटरमिनेंट हमें मिला, बट अगर मैं कहूं कि मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अलोंग मुझे इसका माइनर निकालना है, तो मैं क्या कहूंगी कि मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करना होगा इग्नोर। यहां से अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं तो एलिमेंट बचता है डी, तो इट्स मीन इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा हमारे पास डी फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अगर मैं कहूं यहां पर कि मेरे पास अगर यही मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी और इसके अंदर जो बी एलिमेंट है इसके अलोंग मुझे देखना है मेरा माइनर क्या है, तो मैं कहूंगी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आपको इग्नोर करना होगा, तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा सी, तो एम टू हो जाएगा सी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2x2 की कोई मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट फॉर्म लिखने के बाद हम माइनर्स को कितनी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलोंग कुछ एक्सेस, उसके अलोंग कुछ रोज और कॉलम्स को आपको इग्नोर करना है और आपको मिलेंगे माइनर्स। अगर यही बात हम 3x3 के मैट्रिक्स में देखें तो क्या होगा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की इस तरीके से, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इस फॉर्म के लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट फॉर्म इक्वल्स टू अपने सारे एलिमेंट्स को रखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि मुझे निकालना है बी के अलोंग, अगर बी के अलोंग मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगी M2, इट्स कॉल्ड माइनर। राइट, तो M2 क्या होगा हमारे पास, मुझे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करना होगा इग्नोर। यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को इग्नोर करने के बाद एलिमेंट्स बचते हैं D, F, G एंड I, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास D, F, G, I ये होंगे हमारे माइनर। राइट, तो हमें 3x3 से बन गई 2x2। इसी तरीके से अगर बात करें कि हमें F के अलोंग निकालना है, तो F वाला थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो आपको करनी होगी इग्नोर, और आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसको और इसको इग्नोर करने के बाद आपके पास आएंगे A, B, G, H। तो यहां पर लिख सकते हैं हमारे पास माइनर कौन सा है, आपके पास 6,
इक्वल्स टू, इट्स कॉल्ड ए बी जी एंड एच। तो आपने देखा कि माइनर 3/3 और 2/2 में कैसे निकलते हैं। ये माइनर निकालना आपको बहुत जरूरी है कि आपको आना चाहिए कि माइनर्स क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं, क्योंकि फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और वो भी आपके 5 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस लगते हैं कि सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालिए, एक एलिमेंट का नहीं, सारे एलिमेंट्स के। तो मैंने आपको रेंडमली कोई भी एलिमेंट का माइनर निकालना सिखाया है, इसी तरीके से आप 1/1 सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं, राइट। तो आपने माइनर्स निकालने यहाँ पर कवर कर लिया। अब आपने यहाँ पे माइनर्स तो सीख लिए, अब इसी से रिलेटेड है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूं कोफैक्टर, तो यहां पर सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग कोफैक्टर, जिसको आप कहते हैं सहखंड, राइट। तो कोफैक्टर या सहखंड क्या होते हैं, अगर हमने कहा कि माइनर से रिलेटेड होते हैं, इट्स मीन आपको माइनर निकालना सबसे पहले आना चाहिए, देन आप बात करेंगे कोफैक्टर्स क्या हैं। तो माइनर तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं कोफैक्टर्स क्या हैं। तो बेसिकली अगर इसे मैथमेटिकली डिनोट करें तो हम इसका फॉर्मूला कहते हैं ए आई जे इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर i+j mij, इस तरीके से। और एम आई जे हमारे माइनर को डिनोट करता है, अगर एम आई जे में अगर -1 की पावर i+j की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है कोफैक्टर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए आई जे से। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हमारे पास कोफैक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं। अब ये सीखेंगे कि कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स मानती हूँ बी, इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23। इसी तरीके से थर्ड रो हमारी a31, a32, a33। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर है 3/3 का। अब हम 3/3 में समझेंगे कि कोफैक्टर्स को कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं a11 के बारे में, a11 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि मैं डिनोट करूंगी इसे b11 या आप a ही मान लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहां से तो आप a भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगी a11 के बारे में, बिकॉज a11 जो स्मॉल लेटर में a11 है वो हमारा है एलिमेंट, और कैपिटल में जो है वो हमारा कहलाएगा कोफैक्टर। तो a11 को प्रेजेंट करने के लिए हम कहेंगे -1 की पावर i+j, और i क्या है, i है हमारी रोज एंड j है हमारी कॉलम्स। तो यहां पर लिखेंगे i हमारी क्या है, रोज, और j है माय कॉलम। तो कौन सी रो और कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट्स मीन हमारे पास माइनर होना चाहिए। अब वन ए वन वन के अलोंग अगर करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके। तो हमारे पास मिलता है a22, a23, a32 एंड a33। यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करती हूं तो मेरे पास मिलेगा -1 की पावर 2 a22 a33 - a32 a23। यहां पर हमने देखा कि हमारे पास अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं +1 into a22 a33 - a32 a23। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। मान लीजिए a12 का निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल a12 इक्वल्स टू -1 की पावर i+j की फॉर्म में। हमारे पास i+j क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहां पर हमारे पास जो
माइनर निकलेगा, इसके अलोंग तो हमें फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करना होगा इग्नोर। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे A21, A23, तो यहां पर लिखेंगे A21, A23, A31 एंड A33। अब ये आपने सीखा हुआ है सॉल्व करना, तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, -1 की पावर 3 A21 इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई A33, माइनस लगाते थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई A31 एंड A23। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या आ गया है, कोफैक्टर, कौन से वेरिएबल के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए, A12 के लिए, राइट। तो हमने दो के लिए कोफैक्टर निकाल लिया है। अब चलते हैं A13 की तरफ। A13 कौन सा एलिमेंट है हमारा, स्मॉल A13, तो यहां पर हमें लिखना होगा -1 की पावर 1st रो एंड 3rd कॉलम। और यहां पर मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करके। तो A21 की मल्टीप्लाई कीजिए A32 से, तो A21, A32, माइनस लगाएंगे A31 एंड A22। तो यहां पर आपने A13 को निकाला डायरेक्ट, इसी तरीके से A14 निकालते हैं। अब A14 यहां पर नहीं निकलेगा, यहां पर निकलेगा A21, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है। तो यहां पर हम कहेंगे A21 इक्वल्स टू -1 की पावर हो जाएगी चेंज। कैसे रखेंगे, यहां पर i+j की फॉर्म में रखना है। अब हमारे पास जो रो है वो है सेकेंड और कॉलम है फर्स्ट, राइट, तो 2+1। तो यहां पर एलिमेंट्स कौन से बचेंगे हमारे, माइनर होगा हमारी फर्स्ट रो और सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। यहां पर हमें करना है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर, और हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे A12 इंटू A33, माइनस लगाएंगे, फिर बचेगा A32 एंड A13। यहां पर आपने A21 निकाल लिया, राइट, इसी तरीके से क्या निकालेंगे आप A22, इसके लिए क्या होगा -1 की पावर 2+2। और आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, आपकी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को कर दीजिए इग्नोर, तो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो है A11, A33 माइनस A31, A13। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर। तो वन बाय वन आपको सारे एलिमेंट्स के निकालने, अगर आपको निकालना है A31 के लिए तो आप पावर क्या लगाएंगे, 3+1। अगर आपको निकालना है A33 के लिए तो आप लगाएंगे 3+3, राइट। तो आपको पता है कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में हम रखे बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है i+j की फॉर्म में, राइट। तो बहुत ही इजी आपने सीखा कि आपके पास जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो कैसे निकलते हैं, इसी तरीके से आप आगे के भी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर माइनर सीखने के बाद हमने सीखे कोफैक्टर्स, जो कि बहुत इजी थे, बट यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान देनी है, क्या है वो, कि अगर आपके पास कोई भी A11 एलिमेंट है और इसके लिए आपने कोफैक्टर निकाला है, तो आपके पास कोफैक्टर आया A11। इसी तरीके से आपने निकाला एलिमेंट A12 के लिए कोफैक्टर A12, और आपके पास इसी तरीके से A13 के लिए भी A13 कोफैक्टर हो गया। इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए। इट्स मीन आपको अगर चाहिए फर्स्ट रो के अलोंग कोफैक्टर्स तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बट यहां पर अगर आप कोफैक्टर्स को चेंज कर देते हैं, जैसे आप लिखते हैं A11, A12, यहां पर चेंज, प्लस A12, A23, यहां पर चेंज हो गया आपका A13 एंड A22। इस तरीके से कोई भी चेंज आपका, अगर कोई भी कोफैक्टर्स अगर एलिमेंट्स के IJ से इक्वल नहीं है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 के इक्वल, क्योंकि आपकी जो कोफैक्टर्स हैं उनके IJ इक्वल नहीं है एलिमेंट से, इस वजह से आपके ऑलवेज जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी।
तो आपको ध्यान देना है जो को फैक्टर्स हैं वो आईजे की फॉर्म में अगर है 1 1 या 1 2 1 3 तो आपके एलिमेंट्स के इक्वल आईजे रखने चाहिए, तभी आपका कहलाएगा को फैक्टर आपने ठीक तरीके से निकाले हैं। तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी थी आपने को फैक्टर्स के अंदर। तो आज आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा डिटरमेंट्स की फॉर्म में, उसके बाद आपने सीखा कोलिनियर पॉइंट्स को जो कि आपके क्वेश्चन लगेगा इसके ऊपर, राइट। आपकी कोई भी वेरिएबल देता है उसके ऊपर एलिमेंट पूछ लेता है वैल्यू को, या फिर आपसे अप्लाई कराता है कोलिनियर पॉइंट्स निकालिए, पॉइंट्स के अलोंग कोई भी क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि माइनर पूछ सकता है, को फैक्टर्स पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है और आपको दिए गए हैं इसके शीर्ष, इट्स मीन इसका डायग्राम कुछ किस तरीके इस तरीके का दिखेगा कि हमारे पास पॉइंट्स है ए बी सी। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको 5 4 -2 4 and 2 -6। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको क्या पता है हाफ। डिटरमिनेंट के फॉर्म में x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहां पर होता है 1। ये आपने सिंपलेस्ट सब फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या रखना है, जितने भी x के वेरिएबल्स हैं 5 हुआ, -2 एंड 2, इनको रखना है फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो यहां पर रखेंगे 1/2 5 -2 2, और y के वेरिएबल्स अगर देखें तो हमारे पास है 4 4 and -6 और यहां पर 1। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इस तरीके की एक डिटरमिनेंट मिला है, अब आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट इसको एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि 3/3 का है, तो आप सोचेंगे डायरेक्ट एक्सपेंड करें, बट यहाँ पर आपको बताया गया था ऑपरेशंस भी लगते हैं, मैट्रिक्स की तरह ही यहाँ पर भी आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ऑपरेशन क्या लगाएं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ छोटी हो जाए। तो मैं कहूं अगर आर टू को चेंज करें R2 - R1। यहां से हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमें दिख रहा है 4 - 4 हो जाएगा 0, -1 और 1 जाएंगे तो 0। इसी तरीके से R3 को भी चेंज कर सकते हैं, तो R3 को भी चेंज कर लेते हैं साथ ही। R3 को ऐसा क्या करें चेंज कि हमारे पास कुछ 0 वैल्यूज मिले। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं करूंगी R3 - R1 तो हो सकता है हमें कुछ रिजल्ट में 0 वैल्यू मिले। तो फर्स्ट को तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। आर टू को चेंज करना है रो सेकंड को, तो यहां पर हम अगर -2 और -5, इट्स मीन माइनस कर रहे हैं तो -7, 4 - 4 0 and 0, राइट। अब आपको R3 से चेंज करना है, R3 चेंज होगी R3 - R1, इट्स मीन 2 - 5 - 3, -6 - 4 - 10 एंड लास्ट 1 - 1 0। अब आपको बताया था कि एक्सपेंड कैसे करते हैं, कब हमें पता चलता है कि एक्सपेंड कौन सी रो या कौन से कॉलम से इजी बैठेगा। तो हमने कहा था कि जिस भी रो या कॉलम में हो जाए 0 ज्यादा, तो हम उस रो के अकॉर्डिंग उस एक्सपेंड करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि C3 जो हमारा कॉलम है ये हमें दिखा रहा है 2 0s, तो हम करेंगे इसके अलोंग एक्सपेंड। तो यहां पर लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग C3। C3 के अलोंग अगर एक्सपेंड करना है तो ये 2 0s हैं, तो ये एलिमेंट्स को कर देंगे 0, तो इट्स मीन हमें 1 के अलोंग ही सिर्फ देखना है। तो 1 के अलोंग देखने के लिए हमें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को करना होगा इग्नोर। तो यहां पर लिखेंगे 1, इससे पहले -1 की पावर क्या होनी चाहिए, i+j, इट्स मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम।
और यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स वन, और जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो है 7 × 10, इट्स मीन 70, माइनस लगाते हैं, -3 × 0, इट्स 0, और आगे की वैल्यूज 0 हैं। तो यहां से हमें कहा कि -1 की पावर हो गई 4, इट्स मीन 1, एंड 70, -0, 70, तो यहां से वैल्यू है 70, राइट। तो आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन से आप छोटा कर सकते हैं, जितनी आप छोटा कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट को उतना कीजिए, और उसके बाद एक्सपेंड करिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 70। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारे पास है एक संरेखीय के लिए, और संरेखीय वर्ड क्या था, संरेखीय वर्ड था आपका कोलिनियर। अब कोलिनियर्स पॉइंट तो आपने पढ़े हुए हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपका जब ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाए 0, इट्स मीन आपको दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास है 0, ये आपको गिवन है। अगर ये आपको गिवन है तो आपके पास जो 3 पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, आपके पास ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं, एम माइनस 1, 2 1 एंड 4 5। अब इनको रखते हैं अपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो हाफ एम माइनस 1 आएगा हमारे कॉलम के अंदर, तो यहां पर आएगा 2 एंड 4 माइनस 1, 1 एंड 5, और थर्ड कॉलम आएगा 1। ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्या था, हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड थर्ड कॉलम में 1, और इक्वल्स टू क्या दिया गया है आपको 0। तो आपको क्या फाइंड करना है, m का मान ज्ञात कीजिए, m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हाफ अगर उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा 0, तो वैल्यूज हो गई आपके पास m माइनस 1 1, 2 1 1, 4 5 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप ऑपरेशंस लगा के छोटा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट करते हैं m के अलोंग, तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने करना होगा इग्नोर, तो हमारे पास बचेगा 1 × 1 1, माइनस लगाएंगे 5 × 1 5, अब यहां पर लगाना है माइनस, फिर उसके बाद माइनस 1। अगर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के अलोंग करेंगे 2 × 1 = 2 माइनस 4 × 1 = 4 प्लस 1। इसके बाद आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करना है, 2 × 5 = 10 माइनस 4 × 1 = 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 5 − 4 माइनस माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 4m माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इट्स मीन 4m को उधर लेके जाए तो यहां से बचेगा 4 इक्वल्स टू 4m और m इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपकी m की वैल्यू मिलती है 1। ये पूरा क्वेश्चन आपके कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड था कि अगर आपको पास कंडीशन पता है, अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन पता है तो आप इसे सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। तो आपकी m की वैल्यू या k की वैल्यू जिस भी फॉर्म में आपसे पूछी जाए उसको आप निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है और कहा गया है कि बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि इसका मान 0 है। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि कोई आपको इसका एक्सपेंडेशन नहीं करना, एक्सपेंड नहीं करना। तो अगर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशंस। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे हम ऑपरेशन। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है एक डिटरमिनेंट एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। यहां पर सेकेंड रो जेड एक्स वाई
एंड थर्ड रो वन वन एंड वन, इस तरीके से आपको गिवन है। आपको इसे एक्सपेंड नहीं करना है कि आप फर्स्ट रो या थर्ड रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करें। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ऑपरेशन लगाने और थोड़ा सा सोचना है कि ऐसा क्या करें कि हमारे पास थोड़ा इजी हो जाए फॉर्म। तो हम कहें कि अगर इसके अंदर हमें ऑपरेशन लगाना है तो हम कहेंगे आर वन को करेंगे चेंज। आर वन को हम कैसे चेंज करेंगे, हम आर टू प्लस आर वन करेंगे। इट्स मीन सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो को प्लस करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां से ये मिलेगा आपके, इससे मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड थर्ड एलिमेंट आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने फर्स्ट रो को किया था, फर्स्ट रो चेंज हो गई, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रहेंगी, तो आपको वैल्यूज सेम रखनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन हम अप्लाई कर चुके हैं, इसके बाद हमें कोई कॉलम ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास एक रो है जो कॉमन है, इसको ले लीजिए बाहर। क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो एलिमेंट है वो तीनों कॉलम्स में सेम है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास बचेगा वन 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 एंड सेकेंड रो जेड एक्स वाई, थर्ड रो वन वन एंड वन। यहां से हमने x प्लस वाई प्लस जेड लिया है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने किया है रो वन को चेंज, कैसे, हमने कॉमन लिया है x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है एंड थर्ड रो है दोनों ही सेम है। इसका क्या मतलब है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर दो रो या फिर दो कॉलम्स आपस में सेम हो जाए तो हमारा जो डिटरमिनेंट होती है उसकी डायरेक्ट वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखें तो जीरो, इट्स मीन पूरी वैल्यू हो जाती है जीरो। तो हमारी कंडीशन थी कि हमें विस्तार नहीं करना था और हमने ऑपरेशंस लगा के आंसर निकाल लिया जीरो, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आपके पास ऑपरेशंस की हेल्प से आप अपने डिटरमिनेंट्स को इजीएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको निकालने सहखंडज। अब सहखंडज क्या होते हैं, सहखंडज है आपके कोफैक्टर। कोफैक्टर्स हमने सीखे थे कि किस फॉर्म में होते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे माइनस आई जे, राइट। इस फॉर्म में हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें आने चाहिए माइनर निकालने, उसके बाद हम सीखते हैं कोफैक्टर्स को निकालना। तो अभी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स के निकालिए कोफैक्टर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या दी गई है मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, मान लेते हैं ए वन माइनस वन टू टू थ्री फाइव माइनस टू जीरो वन, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसके आपके हर एलिमेंट्स का निकालना है कोफैक्टर। तो सबसे पहले निकालते हैं ए वन वन का। ए वन वन को निकालने के लिए माइनस वन की पावर रखेंगे वन प्लस वन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो आई प्लस जे हो गया वन प्लस वन, और यहाँ पर जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो माइनर में क्या होंगे, थ्री फाइव जीरो वन, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री वन थ्री माइनस जीरो, यहां से वैल्यू आती है माइनस वन की पावर टू, इट्स मीन वन इंटू थ्री, राइट। अब हम निकालेंगे ए वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू, इट्स मीन हमें आई और जे क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो टू फाइव माइनस टू वन होंगे, तो टू वन जर टू माइनस माइनस टू एंड फाइव माइनस टेन, तो यहां से वैल्यू आती है ट्वेल्व। अब हमने सीखा कि यहां पर अगर माइनस टू इंटू हमारे पास फाइव है तो टू फाइव जर टेन माइनस के, बट माइनस आगे भी लगना है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब निकालेंगे ए वन थ्री माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री,
इट्स मीन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आप इग्नोर कीजिए, आपके पास बचेंगे 2, 3 माइनस 2, 0, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 माइनस लगाएंगे, माइनस 2 इंटू 3 इट्स मीन माइनस 6। यहां से आपको वैल्यू देखनी थी कि माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 है, इट्स मीन माइनस के 3, तो माइनस आएगा, यहां पर पावर 4 है तो प्लस 1 आएगा, और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। ए 2 1 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 अगर हम ले रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कीजिए इग्नोर, तो -1, 2, 0, 1 हमारे पास बचते हैं एलिमेंट्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस लगाएंगे 0 इंटू 2, 2, यहां से सॉल्व करें तो -1 की पावर 3 इट्स मीन माइनस, और -1 इन -2 इट्स मीन -3 प्लस का 3, राइट। अब हम निकालेंगे a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को इग्नोर कीजिए, तो हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, -2, 1, तो 1 1 जा 1, माइनस, -2 इंटू 2 माइनस 4, सॉल्व कीजिए, पावर है 4 तो इट्स मीन +1 और मल्टीप्लाई में 5, आपको निकालना है a23, तो क्या करेंगे -1 की पावर 2 प्लस 3, और एलिमेंट्स कौन से होंगे आपकी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करके, तो आपके पास बचेगा 1 -1 -2 0, इट्स मीन 1 0 जा 0, माइनस लगाएंगे, -2 इंटू -1 इन 2, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा 2, तो यहां से सॉल्व करके बनता है -2 प्लस 2। तो आपने सीखा भी दो रोज कैसे कंप्लीट हुई है, आपको निकालना a11 फिर a12 a13, इसी तरीके से आपको सेकेंड रो में भी अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ, तो हम कहेंगे a31, इसके लिए -1 की पावर होगी 3 प्लस 1, और हम बात करेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करने की, तो -1 इंटू 5 माइनस 5, -3 इंटू 2 6, यहां से सॉल्व करके आता है 4 पावर है, इट्स मीन +1 माइनस के 11। a32 -1 की पावर 3 प्लस 2, और एलिमेंट्स कौन से लेंगे थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को इग्नोर कीजिए, तो 1, 2 और 2, 5, इट्स मीन 1 इंटू 5, 5, -2 इंटू 2, 4, यहां पर जो पार है वो हमारे पास 5 है, इट्स मीन -1 आएगा, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, इट्स मीन -1, राइट। तो यहां पर अब लास्ट है a33 -1 की पावर 3 प्लस 3, और यहां पर एलिमेंट्स कौन से लेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को कीजिए इग्नोर, इट्स मीन 1 माइनस 1, 2, 3, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 1 इंटू 3, 3, -2 इंटू -1, -2, यहां पर पावर है 3 प्लस 3, 6, पॉजिटिव है, तो यहां पर हमारे पास 3 प्लस 2 इट्स 5, राइट। तो यहां पर हमने देखा एक एक एलिमेंट का कैसे हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं, इजी है, बस आपको याद रखना है फॉर्म ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर i+j और माइनर आई जे, यहां पर माइनर बार बार रिपीट है, हर किसी एलिमेंट के लिए माइनर होगा अलग, राइट। तो आपने देखा कि कैसे 1 बाय 1 स्टेप करके हम सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू होगी 1 की पावर 3 के इक्वल, ये कैसे होगा, ऑपरेशन से होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी हमें वैल्यू जरूर मिलेंगी जो कॉमन होंगी, या फिर जीरो हो जाए, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें एक डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यूज हैं
ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, टू ए, थ्री ए प्लस टू बी, फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। थर्ड रो थ्री ए, सिक्स ए प्लस थ्री बी एंड टेन ए प्लस सिक्स बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू ए थ्री हमें करना है प्रूफ। तो सबसे पहले लेते हैं LHS, LHS को अगर ले तो हमारे पास बचते हैं ये डिटरमिनेंट फॉर्म। इसके अंदर हम क्या करें कि हमारे पास कुछ जीरोस बन जाएं। हम देख रहे हैं अगर हम सेकेंड रो को चेंज करें किस तरीके से, R2 को चेंज करें R2 माइनस 2R1, तो क्या वैल्यूज आएंगी देखते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में 2A माइनस 2A हो जाएगा जीरो। अब फिर से हमें 2A माइनस 2R1 लगाना है तो 3 माइनस 2A, 2 माइनस 2 जीरो। यहां पर देखिए 4 माइनस 2 इट्स मीन 2A, 3 माइनस 2B प्लस जीरो, राइट। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड रो में ऑपरेशन लगाऊं तो क्या लगेगा कि R3 चेंज बाय R3 माइनस 3R1, राइट। मल्टीप्लाई करनी है R1 की 3 से, तो यहां पर हम अगर देखें 3A इंटू 3A माइनस करेंगे 0, अगर इसमें करेंगे तो 3A प्लस 3B और इसमें से माइनस करें तो 6A माइनस 3A, 3A प्लस 3B माइनस B 0। यहां पर 10A माइनस 3A 7A, 6B माइनस 3B 3B प्लस 0। अब पास जो डिटरमिनेंट है उसको लिखते हैं कि हमारे पास बचा है A, A प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर हमारे पास दो जीरो बची हैं और A 3A, 2A प्लस बी और 7A प्लस 3B। अब अगर मैं कहूं कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर दें तो हमें मिलेगी सिर्फ A के लिए वैल्यूज, तो हम करते हैं एक्सपेंड अलोंग कॉलम फर्स्ट। यहां से जीरो वाली वैल्यूज हो जाएंगी सारी जीरो, तो हमारे पास बचेगा ए ब्रैकेट, कौन से एलिमेंट है, ए इंटू सेवन ए, दैट मीन सेवन ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, राइट। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये वाली मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई, माइनस लगाएंगे थ्री ए माइनस टू ए सिक्स ए स्क्वायर, थ्री ए माइनस बी माइनस के 3ab। यहां से सॉल्व करेंगे a 7a और 6a को सॉल्व कीजिए a स्क्वायर, 3ab 3ab आपस में कैंसिल, तो यहां से बचा है a की पावर 3 और यही हमारा है RHS। तो आपने देखा कि हमारे पास ऑपरेशन से कितना इजी हो जाता है डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना, चाहे तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे आप इसको ऑपरेशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको दोनों के लिए इक्वल मार्क्स मिलते हैं। तो आपने जितने भी आज क्वेश्चंस किए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।